हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी सर्कुलर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके पहले हमने मेमोरेंडम राइटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। अ सर्कुलर इज एसेंशियली अ लेटर कंटेनिंग सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी जो सर्कुलर होता है वो इतना आवश्यक होता है एक लेटर जो कि अपने अंदर काफ़ी सारे कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में लोगों से ये पैचअप होता है, या अदरवाइज और भी बोल सकते हैं कि जो आपका सर्कुलर होता है वो इतना इफेक्टिवली होता है कि किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इंट्रो ऑफिस से सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किन किन सिचुएशंस में या क्या ऐसे पर्पज होते हैं जब सर्कुलर लेटर की हम राइटिंग करते हैं। तो पहला है कि जब हम सर्कुलर राइटिंग लिखते हैं तो उस समय सिचुएशन होती है इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पर्पज, हमारा कोई उद्देश्य हो और वो उद्देश्य क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उस नए प्रोडक्ट को दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना, या सर्विसेज जो हम नई अलाउ कर रहे हैं, हम अपना ऑफिस चेंज कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिलाना इसमें करिकुलम लेटर पे आता है। ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, न्यू शॉप, कोई भी नई ब्रांच, नई शॉप दूसरे स्थान पे आ रही, चेंज इन एड्रेस, हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है, या सीजनल डिस्काउंट प्राइस एट्सेट्रा, यानी कोई गर्मी के सीजन में हम अपनी फैक्ट्री का जो भी मटेरियल निकाल रहे हैं उसमें कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, वो नहीं बिक रहा है, या बहुत समय पहले बना था उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हम प्राइस उसका लो करके उसको अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम सर्कुलर लेटर ही लिखते हैं। इसी तरीके से इंक्रीज इन प्राइस, मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट कम हो रहा है और उसकी डिमांड बहुत है तो उसका प्राइस बढ़ाना है, तब हम सर्कुलर लेटर को लिखते हैं। क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है जब हम सर्कुलर लेटर लिख रहे हों? तो यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है ना, जब हम सर्कुलर लेटर लिख रहे हैं तो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने हैं। प्रॉपर हमारी जो टोन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, प्रॉपर टोन होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, जो हम एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं सामने वाले को, जो समझाना चाह रहे हैं वो उसे समझ में आए, वरना आपका प्रोडक्ट वहीं का वहीं रुक जाएगा। बी ब्रीफ, और हमें उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराना है जो हमारे इन फ्रंट पर्सन बैठा हुआ है, और हमारा जो पर्पज है राइटिंग का, जो हम सर्कुलर लेटर लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में क्लियरिटी हो, पूरा एक्सप्रेस्ड अच्छे से हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर ऑफिस ऑर्डर के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सर्कुलर नंबर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जिस डेट को हम लिख रहे हैं वो डेट मेंशन कर देंगे। इसके बाद जिसको लिख रहे हैं, आप किसको, या मान लीजिए ऑल एम्प्लॉयज ऑफ किसी भी कंपनी का एक्स वाई जेड, ठीक है ना, कोई भी कंपनी का हो सकता है एम्प्लॉयज, तो हम उन एम्प्लॉयज को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कंपनी कौन सी है ये हमें नहीं पता है, कौन सी कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, और एम्प्लॉयज़ को लिखा जा सकता है ऑफिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम उस डिपार्टमेंट का नाम भी मेंशन कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यू आर हियर बाई ऑर्डर्ड टू डिपार्ट फॉर लखनऊ टू अटेंड अ वीक, ठीक है, टू अटेंड अ वीक लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल पढ़ते हैं सभी, फोर्थ सेमेस्टर पे हो, पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको जाना है, और जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसी भी जो भी ब्रांच जो भी होगा इंस्टीट्यूशन, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं इग्नो ने ऑर्गेनाइज किया, या कोई नाम डाल देते हैं NITTR ने सेक्टर पे ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कम्युनिकेशन स्किल का। और इसके बाद में यहाँ पर डेट, जिस डेट से लेकर के जिस डेट तक आपको ट्रेनिंग वहाँ पे लेनी है उस डेट को मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर यू आर आल्सो एडवाइज्ड टू कलेक्ट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द, ठीक है ना, प्रोग्राम फ्रॉम, अब जहाँ पे फ्रॉम करके मैंने आपको यहाँ पर एक जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पर जिस इंस्टीट्यूशन का जो भी क्लर्क होगा या जो भी डिपार्टमेंट का हेड होगा जिससे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, वहाँ यहाँ पर उसका हम नाम मेंशन कर देंगे, जैसे सागर ऑफिस टैनो,
ठीक है, जो स्टेनो है उससे आपको पेपर से सारे कलेक्ट कर लेने हैं और इस कम्युनिकेशन स्किल्स के ट्रेनिंग पे आपको जाना है। तो ये कौन दे रहा है, ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रहा है, लास्ट में इस प्रिंसिपल का यहाँ पर नाम लिख करके और उनके साइन होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सर्कुलर ऑफिशियल ऑर्डर लेटर है जिसके बारे में हम सब ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब इसके सारे आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, पर्पस क्या होते हैं, सर्कुलर लेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ऑफिशियल जो सर्कुलर लेटर है वो यहाँ पर जैसे मैंने लिख के बताया है इसके बारे में आप सभी